हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिर्फ टेंसेज ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, आपको क्या बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर निगेटिव वर्बल क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ये बताने वाली हूँ। लेकिन वो किस टेंस का है, वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव वर्बल क्वेश्चन ही क्यों सीखना है, क्योंकि ये बेस है। यदि ये आपको आ जाएगा तो आगे भी के लिए इजी हो जाएगा। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था इसके थ्री टाइप्स कैसे फ्रेम होते हैं। अब हम यहां पर क्या देखने वाले हैं, अब मैं आपको बताने वाली हूं कि डोंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलती हूं या मैं नहीं खेलती हूं क्या, इस तरीके के सेंटेंस कब बनते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है और आप इसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहां पर हम स्पीकिंग कर रहे हैं। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज भी आपके सामने लेकर आई हूं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, यहां पर अभी हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। हम सबसे पहले यहां पर ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये क्वेश्चंस कब बनते हैं। मैं हिंदी में कुछ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूं, आप उनके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको मेरा इंटेंशन देखना है, मैं किस वे में बात कर रही हूं, गुस्से में कर रही हूं कि नॉर्मल बात कर रही हूं, इस हिसाब से आप अपने आंसर हिंदी में ही देने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपको समझता नहीं है निगेटिव वर्बल क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे फ्रेम किया जाए, क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो, क्या उसकी बहन स्कूल नहीं जाती है, क्या मेरे पिताजी रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या उसकी टीचर उसको अच्छा नहीं पढ़ाती है। तो अब आप बोलेंगे, मैम इतने सारे क्वेश्चन से इनके आंसर कैसे दिए जाएं। तो आपको ध्यान से सुनना है, उनके आंसर देने की कोशिश करनी है। मेरा एटीट्यूड कैसा था जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी, मैं बहुत गुस्से में बोल रही थी या जनरल बोल रही थी। यदि मैं गुस्से में बोल रही थी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्या आपको समझता नहीं है कि निगेटिव वर्बल क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, तो मेरा यहां पर इंटेंशन जो था ना कि आपसे जो मेरे आंसर आएंगे ना वो यस में ही मिलना चाहिए, कि आपको समझना चाहिए, इस तरीके के आंसर की एक्सपेक्टेशन होती है। अब मैंने आपको जैसे दूसरा क्वेश्चन किया, क्या उसकी बहन स्कूल नहीं जाती है, जनरल मैंने बोला क्या उसकी बहन स्कूल नहीं जाती है, तो यहां पर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके आंसर यस में देंगे या नो में देंगे। तो यहां पर हम निगेटिव वर्बल क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइप 4 सीख रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंसर कैसे देना है। यदि आपके सामने क्वेश्चन पूछने वाला बहुत गुस्से में बात करता है, बहुत एंग्रीनेस शो करता है, तो आंसर हमेशा यस में ही आना चाहिए। लेकिन जनरली बोल रहा है, एकदम कूल डाउन होकर बोल रहा है, तो आप पे डिपेंड करता है कि उसके आंसर आप यस में देंगे या नो में देंगे। तो यहां पर अब मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूं, तो आपको यहां पर ध्यान से देखना है। अब आप पहले यहां पर देखिए, जैसे मैंने बोला आई प्ले, इसका मुझे यदि वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, एकदम इजी हो जाएगा, डू आई प्ले, इस तरीके से बनेगा। कैसे बना, इस प्ले में से मैंने डू को आगे ले लिया और यहां पर एज इट इज स्ट्रक्चर रख दिया है। और फ्रेंड्स, यदि मुझे ऐसा बोलना है, डज ही प्ले, क्या वह लड़का खेलता है, कहां से बना, तो ये भी यहां से बना, ही प्लेज, इस प्लेज में से मैंने एस को कंसीडर करके डज के रूप में लिया, डज ही प्लेज में से एस निकल गया और डज के रूप में हमारे सामने आ गया। कैसे बना, डज ही प्ले, क्या वो लड़का खेलता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये क्यों बता रही हूं, आपको रिमाइंड कर रही हूं कि आपको ये ध्यान से समझना है, तभी आप इसका फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अब ये टाइप कैसे फ्रेम हो गया, ये वाला डोंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलती हूं, ये कैसे बना, तो ये बना है फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर के टाइप से। कैसे बना, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलती हूं। लेकिन यहां पे मुझे क्या करना है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है। अभी नेगेटिव छोड़ दो, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, इस डू को आगे ले लूंगी, लेकिन यहां पे नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनाना है, इस पूरे डोंट को मैं यहां पर सब्जेक्ट से पहले रख दूंगी। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, डोंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलती हूं, एक तो स्ट्रक्चर ऐसा भी बनेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा भी बनेगा, डू आई नॉट प्ले। ये कैसे बना, बिल्कुल इजी है, इस डोंट में से मैंने नॉट को यहां पे कंसीडर कर लिया, तो स्ट्रक्चर हो गया डू आई नॉट प्ले। लेकिन आप कभी भी ऐसा मत बोलना डू नॉट आई प्ले, ये एकदम रॉन्ग है, या तो आप डोंट बोलिए या डू आई नॉट बोलिए। अब आप बोलेंगे, मैम थोड़ा कंफ्यूजन तो हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं, आपको ये पूरा चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखिए, यहां पे मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप फर्स्ट में, वे खेलते हैं, दे प्ले, ओके। अब मुझे इसको बोलना है क्या वे खेलते हैं, यहां पे मैंने वर्बल क्वेश्चन बनाया, तो इसको मैंने कैसे बनाया, डू दे प्ले, इस प्ले में से डू को कंसीडर कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सेकंड नंबर का टाइप, दे डू नॉट प्ले या दे डोंट प्ले, क्या वे नहीं खेलते हैं। अब इसमें से मुझे निगेटिव वर्बल क्वेश्चन टाइप 4 कैसे बनेगा, ये देखिए, ये जो डू है ना फ्रेंड, इसको मैंने आगे ले लिया, सब्जेक्ट को एज इट इज रखा, डू के बाद में यहां पर नॉट लिया और प्ले ऐसे ही रख दिया, डू दे नॉट प्ले। यदि आप यहां पे दे डोंट करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते हैं, तो हमें निगेटिव वर्बल
बनाना है तो डोंट इस तरीके से, ये डोंट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ से डू आया, नॉट को यहाँ लिखा, उसी प्रकार से डोंट यहाँ पर आ जाएगा। क्या वे नहीं खेलते? बिल्कुल इजी है। जो टाइप फोर है निगेटिव वर्बल क्वेश्चन, वो टाइप सेकेंड से बना हुआ है, ये मैंने आपको अभी बताया था, आप यहाँ पर देख सकते। इस टाइप से हमारा ये वाला टाइप बना हुआ था। तो अभी तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ एक्टिविटी भी देने वाली हूँ। केवल यहाँ पर हम आपको टेंसेज नहीं पढ़ा रहे। और फ्रेंड्स, इस फोर्थ नंबर के टाइप को देखने से पहले आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने होंगे, वो भी सीक्वेंस वाइज। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। हमने मोर देन 1000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज की हैं, और ये सभी एक्टिविटीज आप हमारे ऐप में देख सकते हो। हमारे ऐप में ये सभी एक्टिविटीज आपको बहुत ही प्रॉपरली बताई गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्या करने वाली हूँ, प्रैक्टिस बताने वाली हूँ, वो भी फोर्थ नंबर के टाइप। इससे पहले आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी होगी जो मैंने आपको पहले बताई है। अब मैं यहाँ पर आपको ये तीनों की प्रैक्टिस नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली मैं यहाँ पर आती हूँ फोर्थ नंबर के टाइप पर। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पर डोंट टाइप प्ले, क्या मैं नहीं खेलती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर प्ले की जगह दूसरा वर्ब ले लेती हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, एक लेके प्रैक्टिस नहीं करनी, पहले प्ले से पूरी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं यहाँ पर प्ले के प्लेस पर टीच लेती हूँ वर्ब, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डोंट आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पर इंटेंशन देख के आप यस नो फास्ट फास्ट आंसर को देना है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ डोंट आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ। डोंट वी टीच, क्या हम नहीं पढ़ाते हैं। डोंट यू टीच, क्या तू नहीं पढ़ाता है। डोंट यू टीच, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो। डोंट दे टीच, क्या वे नहीं पढ़ाते हैं। डजंट ही टीच, क्या वह लड़का नहीं पढ़ाता है। डजंट शी टीच, क्या वो लड़की नहीं पढ़ाती है। डजंट इट टीच, क्या वो कुत्ता नहीं पढ़ाता है। डजंट राम टीच, क्या राम नहीं पढ़ाता है। डजंट श्याम टीच, क्या श्याम नहीं पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको वर्ब्स चेंज कर करके प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, अब आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत ईजी है, आप मन में प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हर टाइम पर आपको वर्ब चेंज करनी है। एटलीस्ट आपके पॉकेट में कम से कम 10 से 20 वर्ब्स तो होनी ही चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो आपको समझ में आ रहा है प्रैक्टिस कैसे करनी है। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर से बना है। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं, डू आई नॉट टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ। लेकिन बोलने में ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन इस स्ट्रक्चर से। तो आई होप आप इसी से प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने मोर देन वर्ब्स लेके प्रैक्टिस की है, तो जो मैं आपसे हिंदी में क्वेश्चन करूंगी, क्या आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हो। जैसे, क्या आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्या उसके पिताजी स्कूल नहीं जाते हैं। क्या उसकी मम्मी खाना नहीं बनाती है। क्या हमारी बहन झगड़ा नहीं करती है। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ। तो ये है आपके क्वेश्चंस, आप यदि इनको ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं आपको चेक करना है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी इंग्लिश में, क्या आप उनके आंसर इंग्लिश में दे पाते हैं या नहीं दे पाते। यदि नहीं दे पाते तो आपको आगे का वीडियो देखना है। डोंट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डजंट हिज फादर गो टू स्कूल। डोंट आई टीच यू इंग्लिश। डजंट हिज मदर कुक फूड। फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे, क्या आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आगे हमारे साथ में आना है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको मिलेगा माय फादर, आवर फादर, ये कब और कैसे बोलना है। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमारा आगे का वीडियो देखना होगा, जहां पर हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बताई है, बहुत सारी एक्टिविटीज की है, और समृद्धि और मैंने इंटरेक्टिव टीचिंग भी की है, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको घर बैठे प्रैक्टिस कैसे करनी है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। फ्रेंड्स, ये तो हमारा केवल एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही पैटर्न है। ऐसे हमारे पास में मोर देन 500 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, मोर देन 1000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज हैं। तो इस सब के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आप ये सब देखना चाहते हैं, इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सभी चीजें सीक्वेंस वाइज मिले, क्योंकि सीक्वेंस देखना इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स, हमारे ऐप में दो टाइप के डिफरेंट कोर्सेज हैं, एक है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स, और दूसरा है हमारा 60-90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलोंग विद 4 बुक्स कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं और आपको इंग्लिश में परफेक्शन पाने में मदद कर सकते हैं। और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें ये कॉमेंट करके जरूर बताइए, और आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं।